बिहार पीछे क्यों? यह सवाल अब दरभंगा में जोरदार तरीके से उठने की तैयारी है। भाजपा के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी आगामी 4 फरवरी को दरभंगा में एक बड़ा आयोजन कर बिहार के पिछड़ेपन पर जिले के बड़े बुद्धिजीवियों से लेकर साधारण व्यक्ति तक से चर्चा करेंगे। इसमें पूरे ब्लूप्रिंट के साथ कई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हालांकि सबसे प्रमुख बात यह है कि यह आयोजन भाजपा के बैनर तले आयोजित नहीं की जा रही है। सर्वप्रथम आप सभी मित्रों का दिल से आभार। यह कार्यक्रम आपके जिला में, आपके जिला के लिए नया हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार का यह 10वां कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम है बिहार विजन 2025। बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों? इसी संदर्भ में 4 तारीख को पोलो मैदान में ऑडिटोरियम में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्हीं का विवाह एक संगोष्ठी करा रही है, जिसके मुख्य वक्ता छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे। ये तो आपको बताना है साहब, ये आपसे भी हम सवाल करेंगे कि पत्रकार महोदय, आखिर क्या खामियां हैं यहाँ के लोगों में, किसकी दुर्दशा भोग रहे हैं यहाँ के लोग कि जो बाहर जाकर मरने के लिए, काम करने के लिए विवश है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने बिहारियों के सरकार साथ क्या किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग जाओ मजदूरी करके पंजाब में जाकर उत्कृष्ट खेती करा सकते हैं, क्या वो क्षमतावान नहीं है, क्या वो कैपेबल नहीं है? हैं, लेकिन आप जरा बता दीजिए कि क्या आपके दरभंगा के किसी किसान के खेत में पंजाब का कोई मजदूर आता है खेती करने? यहाँ के लोग जाके ताज होटल में ऊंचे पदों पर, शीर्ष स्थान पर हैं। यहाँ के लोग जाते हैं तो प्रदेश से निकल जाते हैं तो वहाँ का काम काज ठप हो जाती है। वहाँ के लोग प्रलोभन देकर कोरोना काल के बाद आप देखे होंगे कि एरोप्लेन से भी यहाँ के मजदूरों को लोग बुलाया है। तो ऐसा क्यों? यदि बिहार में संसाधन की कमी है, इस कारण लोग यहाँ से बाहर जाने के विवश हैं। तो आखिर इसका उपाय क्या है? कभी जातीय जनगणना, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी पिछड़ा अति पिछड़ा, इस सब में लोगों को उलझाया जाता है। मुख्य जो मुद्दा है बिहार में, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा का व्यवस्था कमी नहीं है, इसको मूल रूप देने की आवश्यकता है। इसीलिए विभा ने एक बिहार विजन 2025 का आयोजन किया है, जो कि तमाम सारी बातें 4 तारीख को आपको पोलो मैदान ऑडिटोरियम में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी आप लोगों से अपनी बात रखेंगे। और आपके भी मन में कोई जिज्ञासा होगी कि मैं रूढ़ी जी से इस विषय में जानना चाहता हूं, तो आप बात रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज से 3 दिन पहले एक मुख्यमंत्री जी से जाकर राजीव प्रताप रूढ़ी जी मिले हैं और उन्होंने आग्रह किया कि बिहार के जो मजदूर यहाँ मजदूरी करने आते हैं, किसी कारणवश उनकी दुर्घटनाग्रस्त कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिजनों को कम से कम उचित मुआवजा और उनके शव को आने की व्यवस्था हो, जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ की सरकार की होनी चाहिए। सर्वेक्षण हो रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि उन आपके भी घर के, आपके मौसेरा भाई, चचेरा भाई, आपके कुटुंब के लोग, परिवार के लोग जाकर जो बिहार से बाहर मजदूरी करने को विवश है, काम करने को विवश है, उनसे पूछिए कि कब आएंगे, तो कहेंगे कि होली में आएंगे। उनको भी अपने परिवार, माता पिता से मिलने की इच्छाएँ होती हैं, लेकिन यह सब तब है जब आप बिहारियों को पिछड़पन की ओर किसी भी मानक पर देख लीजिए। जरा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, चाहे वो DTV भारत हो, आपके दरभंगा मिथिला की चैनल है, आप तमाम लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि जरा एक मामले में आप बता दे जहाँ बिहार को प्रथम स्थान मिला हो। जब भी स्थान मिलता है पिछलग्गू की रूप में इस बिहार को देखा जाता है, आखिर ऐसा क्यों?
सांसद महोदय ने भी इस बात को प्रश्न को उठाया। आप देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था, कभी भी फ्रंट लाइन पर तो बल्लेबाजी करने का निर्णय आप ही ने किया है, ओपनर बल्लेबाज आप उतरे हैं तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है जनाब, और इतने दिन से आप सरकार में हैं, आपने क्या क्या किया बिहारियों के लिए वो जरा बता दीजिए ना सर। सर आपके इसके लोगों को, सभी समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल और सामाजिक लोगों को जा जाकर हम लोग पार्टी लेवल से अलग हटकर जाकर हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज भी जाकर हम लोगों ने अधिवक्ता लोगों को दिया है, उनके पीपी हैं, हमारे अपने मुसलमान भाई हैं जो पीपी संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे एक मित्र ने कहा कि वहाँ भी चलना है क्या, हम कहे कि नहीं नहीं बिल्कुल 100% चलना है। वो अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, फिर भी उन्होंने आने की अपनी सहमति दी है। तो मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप ही के चैनल के माध्यम से आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप आए और अपनी बातों को सुनो। मैं किसी जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, जात बाद में है, पहले आप बिहारी हैं। इसके लिए मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप 4 तारीख को आइए। सर एक आखिरी प्रश्न है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम इससे पहले भी हुए हैं, मूवी 2 घंटे का दिखा करके तो नहीं होगा, या कोई रिसर्च है वाकई में इस एजेंडे में कि बिहार को पीछे रखने के पीछे कोई रिसर्च प्रॉपर दिखी जाएगी या फिल्म रहेगा? बिल्कुल रिसर्च आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल रिसर्च के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। आप देखे होंगे कि समस्तीपुर में आप ही जैसे लोकल पोर्टल वाले लोग, धन्यवाद है आप लोगों का कि बड़े बड़े चैनल तो बड़े हाव भाव में बड़े बड़े लोगों के पीछे एक ही महीना से घूम रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो लोकल चैनल है वो घर घर तक पहुंच रहा है। आप देखे होंगे कि समस्तीपुर में 6 तारीख को कड़ाके की ठंड में कार्यक्रम हुआ और 6.25 लाख लोगों ने व्यूज, लिंक मैं आपको भेज दूंगा, राजीव प्रताप रूढ़ी जी की बातों को चलाया है। अभी 5 लोग बाहर मर गए अन्य प्रदेश में, आखिर उनका दोष क्या है भाई? यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी बुद्धिजीवी सामाजिक लोगों को निमंत्रण देता हूं कि वो आए और आकर कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। चूंकि सांसद बीजेपी पार्टी से आते हैं, क्या ये कार्यक्रम पार्टी स्तरीय है या सभी को आना है? जी सभी को आना है, या पार्टी के झंडा बैनर की नहीं है, एक संगोष्ठी है विभाग जो मुख्य वक्ता के रूप में छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी को बुला रही है। जिला वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? इस कार्यक्रम का जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, इससे क्या मिलेगा बिहार को, कि बिहार के लिए आप चल रहे हैं? नहीं, यही तो सोचने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, इसीलिए तो मैं आपके चैनल पर बैठ कर आपको बता रहा हूँ कि आप आए 4 तारीख को और सोचे कि आपका तो समय निकल गया, आपके आने वाले बच्चे का समय क्या होगा? क्यों आपके लड़के बाहर पढ़ने जा रहे हैं? क्यों आपके लड़के गोवा जा रहे हैं, वहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जा रहे हैं? क्यों आपके लड़के मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं? क्यों आपके लड़के मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं? जनाब एक भी तो कोई ऐसा काम कर दीजिए। ये सारा काम जो आप बता रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी, ये सारा सेटअप तो सरकार ही करती है, सत्ता में बैठे लोग करते हैं, लेकिन इसका सरकार से क्या संबंध है? सरकार से है ना, क्या आखिर हमारा आपका क्या दोष है? आज मधुबनी पीछे चल रहा है सफाई के मामले में, तो किसका दोष जा रहा है भाई? कुछ अच्छा काम हुआ, 1-2 काम अच्छा हो गया तो उसकी क्रेडिट लेने के लिए महामारी है, मारामारी नहीं है, महामारी है। एक दूसरे के साथ रहना है, गाली गलौज करना है। इसकी शुरुआत कब हुई ये कार्यक्रम की? ये कार्यक्रम आपको लगभग 6 महीना पहले सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी का लोग आपके जिला में भी आकर, चाहे वह कुशेश्वर स्थान हो, चाहे अली नगर हो, चाहे दरभंगा सदर हो, दरभंगा हो, लहरिया सराय हो, तमाम जगहों पर लोगों को घूमकर नब्ज टटोलने का काम किया है। सभी लोग का कहना है, जैसा आप लोगों भी ने कहा कि यह काम तो बहुत पहले होना। ये कार्यक्रम क्या केवल बिहार में चल रहा है? ये पूरे बिहार, हम बिहार का ही मुद्दा लेकर चल रहे हैं ना। ये बताइए सर, यदि ये कार्यक्रम हो रहा है तो आप इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए कहाँ कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, किन किन लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, कितने बजे कार्यक्रम में कहाँ पे है? ये आपको कार्यक्रम 12:30 बजे लहरिया सराय के
पोलो मैदान में, ऑडिटोरियम भवन में है और हमारे लोग दसों विधानसभा में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं।